हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो फ्रेंड्स, ये है नीम के पत्ते। यहाँ मार्केट में मिल जाते हैं बंच। आपके पास गार्डन में हो या रास्ते में हो तो वहाँ से ला सकते हो। इधर आसपास नहीं मिला था इसलिए मैं खरीद के लाई हूँ। इसको मैं खाने में भी यूज़ करती हूँ और अपने प्लांट्स के लिए वो दवा बनाने के काम में भी लाती हूँ। ये देखिए, नीम के पत्ते को मैं बॉईल कर ली हूँ। इसे 10-15 मिनट अच्छे से बॉईल कर लो आप। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे एक बॉटल में डाल दूँगी और स्प्रे बॉटल में डालकर प्लांट्स में स्प्रे कर दूँगी। इससे कीटाणु वगैरह मर जाएंगे, पौधे में जो कीटाणु लगते हैं वो सारे चले जाएंगे, नहीं लगेंगे। आप चाहे तो उसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो। मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, नीम का पत्ता बॉईल करने के बाद ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मैंने इस छोटे से पेप्सी के बॉटल में डाल रखा है और इससे मैं पौधों को स्प्रे कर दूंगी। ठंडा होने के बाद डालना है। इससे क्या होगा, आपका पेस्ट जो है वो नहीं लगेंगे। ये नींबू के पौधे हैं, इसमें थोड़ी चींटियाँ आ गई थी, मैं इसमें भी डाली हूँ। ये मेरा अपराजिता का फ्लावर है, ये मेरा हिबिस्कस का है, इसमें भी कीड़े लग रहे थे तो मैंने इसमें भी स्प्रे कर दिया अच्छी तरह से। मेरा स्प्रे बॉटल थोड़ा जाम हो गया था इसलिए मैंने जुगाड़ लगाया है छोटे बॉटल में। छोटे छोटे होल्स करके मैंने इसको स्प्रे बॉटल बना लिया। मैं जुगाड़ी हूँ ऐसे भी, आप भी कर सकते हो इसका जुगाड़, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा गुलदाउदी का पौधा है, इसमें भी थोड़ा वाइट वाइट फंगस लग रहे थे तो मैंने इसमें भी स्प्रे कर दिया है। देखते हैं, मैं वीकली एक बार स्प्रे करती हूँ नीम के पानी से, और लहसुन और प्याज का भी पानी डालती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट्स का है पौधा, और ये मेरा कैप्सिकम का पौधा है, इसमें भी डाल देती हूँ। ये मेरा जेड का प्लांट है, मैं सभी पौधे में। ये मेरा वाइट वाला फ्लावर है, ये पूजा के लिए मैंने लगा के रखा है। और ये मेरा रोज़ का है, येलो रोज़ होते हैं, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। मैं सारे पौधों में डाल देती हूँ उसको एक बार। ये रजनीगंधा का है पौधा, और ये टाइम फ्लावर है। सभी ख़राब हो रहे थे तो मैंने सब में डाल दिया। आप भी वीकली डालते रहो तो पौधे बर्बाद नहीं होंगे। थैंक यू।